नमस्कार, 3D न्यूज बुक में आप सभी का स्वागत है। 15 जून के रोज सिलवासा मंदिर फलिया स्थित गायत्री मंदिर ग्राउंड पर अचानक सब्जी विक्रेताओं के होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि ग्राउंड के चारों तरफ कंपाउंड लगाया जा रहा है। चलिए आपको सारा मामला समझाते हैं। दरअसल यह सब्जी मार्केट को बहुमाली से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था और इसकी अवधि 6 महीने की थी। दादानगर में प्रशासन ने बताया था कि उन्हें आधुनिक सब्जी मंडी बनाकर दिया जाएगा, तब तक आप इस सब्जी मंडी को स्थलांतरित कर ले। अब होता यूं है कि प्रशासन ने आमली विस्तार में आधुनिक सब्जी मंडी तो बना दी, लेकिन ज्यादा भाड़ा होने की वजह से आधे से ज्यादा सब्जी विक्रेता वहां गए ही नहीं। लेकिन अब इस मंडी को करीब करीब 2 से 2.5 साल हो जाने से गायत्री मंदिर ट्रस्ट का सब्र का बांध टूट गया। गायत्री मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि उन्होंने यह जमीन सिर्फ 6 महीने के लिए दी थी, लेकिन अब 2 से 2.5 साल हो जाने से उनके ट्रस्ट को नुकसान हो रहा है। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि अगर यहाँ मंडी रही तो सब्जी विक्रेताओं को 2000 रुपये भाड़े के तौर पर ट्रस्ट को चुकाने होंगे, जिसके बाद सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि वे पहले से ही नगर पालिका को लाइसेंस के पैसे चुका रहे हैं। ऐसे में जगह का भी भाड़ा देना उनके लिए मुश्किल होगा। फिलहाल यह मामला उच्च अधिकारी तक पहुंच गया है और देखना यह होगा कि निर्णय किसके पक्ष में जाता है। जी, मंदिर ट्रस्ट का जगह है और हम लोग गायत्री परिवार के ट्रस्टी है और रामजी परिवार भी ट्रस्टी है। मैं दोनों का प्रमुख हूँ। पहले ये ऐसा था कि 30 साल के लिए भाड़े पे दिया था ले कंपनी को, जिसकी जगह पर उसने 50 साल निकाला। हम लोग ने हाईकोर्ट में जाकर उसको निकालने को खाली करवा दिया। फिर बाद में आया साहबगाजी मार्केट जो नाके पे थी, उसको उठा दिया नया बनाने का ऐसा करके। तो मैं इस वार्ड का काउंसिलर हूँ और पहले से आमली में रहता हूँ। तो ये जगह कुछ काम का है तो मैं बोला दे दो, चलो 6 महीने के लिए बांधा नहीं, हमको कोई भाड़ा भाड़ा नहीं चाहिए, 6 महीने के लिए आप कर डालो। 6 महीने के लिए इन लोग आए थे इधर, हम लोग ने कोई उसके पास भाड़ा भाड़ा लिया नहीं। बात करते करते 2 साल गुजर गया, तो 2 साल के ऊपर हो गया, साहब को वापस मिले। साहब बोलते हैं अभी नया होने वाला है, आप थोड़ा रुक जाओ। फिर एक बार वापस हम लोग 15 दिन के पहले गए थे, सब कुछ करिए इसमें क्योंकि हमारा भाड़ा जा रहा है। अभी आपको मालूम है कि बीच में अभी चौकडोर वगैरह लगा था, हमको 1,80,000 रुपये भाड़ा आया था उसका। तो हर साल हमको मतलब खुद जा रहा है, इसलिए हम लोग ने सोचा कि ये जो सब्जी मंडी वाले जो है, ये लोग दूसरे को भाड़े पे देते हैं, नाम अपना रखते और भाड़े पे दूसरे को देते, 5,000-3,000 उन लोग भाड़ा लेते हैं। तो मैंने बोला कि भाई हमको 3,000 रुपये भाड़ा चाहिए और नया बनाए तो उसको लोग जाने को रेडी नहीं है। तो 3,000 रुपये भाड़ा बोला तो सब लोग बोले कि नहीं नहीं सब ज़्यादा है। मैंने खुद ने ऐसा बोल दिया, चलो भाई 2,000 नक्की कर डालो आप और पैसे दे दो, वो भी वापस 5-6 महीने के लिए, दिवाली के बाद आप खाली कर देना। ये बात हुआ और हम लोग हमारे ट्रस्टी लोग कल आए थे तो बोले नहीं भाड़ा देंगे, ये मवाले हम लोग अभी कंपाउंड कर रहे और कुछ है नहीं। हमारा तो धंधा था ही नहीं, हमें कम करते भाड़ भरी आटलू एम नगर पालिका में तो भरिए, પણ અહીંયા આટલું ભાડું અમે કેમ કરતા ભરીએ? ધંધો તો અમે આખો દિવસ માલ ભરીએ, 100 રૂપિયાને અમે ધંધો નહીં થાય અમારો, અમે ગરીબ લોકો કેમ કરતા અમે પેટ ભરવાનો, મારું ભાડું કેમ અમે આટલું ભરવાનું? હા, આજે જ બંધ કર્યું, માલ એટલો ભરેલો છે અમે, અમે કેટલા વર્ષથી, અમને 2.5 વર્ષથી અમને 6 મહિના કરીને લાવેલા, ને 6 મહિનામાં અમને ઉઠાડી મૂકવાના હતા, ની એ લોકોની મરજી હતી, અમને કેમ આજ સુધી બહાડી મૂક્યા? હવે અમે ક્યાં જવાના, અમને હમણાં મોકલાવે તો નગરપાલિકામાં ગયેલા કાલે સર? આ વાત સીઓ સાહેબને કહેવામાં આવેલી હતી, એ કહીને મેં આવ્યા હતા, સીઓ સાહેબ મિલે તો હમલોક સીઓ સાહેબને બોલા કે દેખતા હું મેં ભાડા યા લાઇસન્સ કા કુછ ભી પૈસા કમ કરને કા કોશિશ કરૂંગા, સરને હમકો એસા બોલા થા, લેકિન સર હમલોક કલ ગયે તો સર છુટ્ટી પે થા, તો હમ રજનીબેન સે મિલે, હમ સુમનભાઈ કાઉન્સલર સુમનભાઈ હમારે સાથ થે ઓર હમલોક રજનીબેન સે મિલે, તો રજનીબેન બોલે કે ઇતના 2-2.5 સાલ હો ગયા તો કિરાયે નહીં લિયા ગયા થા, તો સર યે મંડી મેં અભી એસા હુઆ કે હમલોગે એક સાઇડ કર દિયા, ટ્રક્સ વાલે કી જગા થા તો એક સાઇડ કર દિયા ઝોપડા તોડ કે, તો હમલોગે 6-6 ફૂટ નાપ કે દિયા જગા, તો નાપ કે દિયા તો સર એસા હુઆ ઉસમે कि किराया जिस दिन वो मीटिंग था उस दिन क्या 5-6 लेडीज गई थी और सर 8-10 मतलब ये आदमी लोग था सर, लेकिन हम लोग ने तो यही बोला, हम लोग ये भाड़ा क्लियर नहीं किया था, हम लोग सुना, हम लोग बोला कि हम लोग को है ना, तो हमको सबको 5 ही हम लोग धंधा करने वाले भाई लोग नहीं है, हमको मीटिंग करना चाहिए, हमारा वेंडर भाई लोग को बोला गया कि सब मिल के पहले मीटिंग करो उसके बाद भाड़ा का आप बोलो। भाड़ा 3,000 बोला था, 3,000 बोलने पे बाद में धीरे से बोला 2500 पे तो 2,000 बोलने में, तो हम लोग बोला कि भाई लोग हम लोग मीटिंग करेंगे उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। रेस्ट वाला बोल रहा है कि नहीं आप लोग दूसरे का भी भाड़ा भी दे रहे थे,
सर दूसरे का भाड़े नहीं दिया है, कौन दिया है दूसरे के भाड़े? हम लोग नहीं दिया है। दुकान लगा के दूसरे के भाड़े पे देते नहीं सर, हम लोग जब से मंडी आया तब से का कोई भाड़े पे दिया नहीं हम लोग। आप लोग खुद ही रहते हैं? हम खुद बेचते हैं यहाँ, एक दिन ऐसा नहीं कि सर हमारा दुकान बंद रहता है। हाँ कुछ काम रहता है तो हाँ, नगर पालिका लाइसेंस का भी हम लोग पैसा भरते हैं। यहाँ हम लोग मानते हैं कि यहाँ उनकी पर्सनल जगह है, पर्सनल ट्रस्ट की जगह है, तो सर भाड़ा देंगे ऐसा सोचा था। लेकिन हम लोग नगर पालिका से पहले हम लोग नगर पालिका उठा के लाए थे, नगर पालिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि सर नया बनाया है, नया 180 दुकान है सर, वो पूरा भरा गया है वहाँ, तो हम लोग बाकी बचे हैं डिटेल वाले हैं सब। वहाँ पे BWD रास्ते में मांगे तो क्या? PW के यहाँ हम लोग जहाँ से उठाए थे ना, तो सर वो लोग बोले थे 6 महीने में मंडी बना के देंगे, आज 2.5-3 साल होने आ रहे हैं सर। तो अभी उस दिन CO साहब के पास गए, हम लोग को ये बोला गया कि आपको मंडी बना के दिया जाएगा, बहुमाड़ी के पास ही दिया जाएगा, लेकिन अभी 6 महीना और लगेगा। तो 6 महीने का सर हम लोग ये बोला कि 6 महीना अभी इतना साल भाड़ा नहीं लिया सर, हम लोग डबल लाइसेंस का भाड़ा किराया और यहाँ का लाइसेंस का सबका किराया कैसे हम लोग साथ में देंगे।